हम लोग अहेरी डालेंगे पृथ्वी, सबसे पहले क्या डालेंगे? पृथ्वी। तो पृथ्वी का नाम मन में आते हैं, जहन में आते ही कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन एक सवाल आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे सौरमंडल का पृथ्वी मात्र ऐसा ग्रह जिस पे जीवन है, मन एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, और क्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य के बाद तीसरे नंबर पर है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल के अधिकता कारण। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जल मंडल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ेंगे जल अधिकता क्या है, महासागर क्या है, वहाँ इसको डीप में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे हमारे पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे पृथ्वी का आकार गोलाब, लिखते चलेगा, पृथ्वी का आकार गोलाब है। पृथ्वी का आकृति गोलाब है, अभी आगे समझ जाएंगे गोलाब क्या है। पृथ्वी की आकृति गोलाब है, यह अपनी धुरी पर किए जाने वाले परिभ्रमण के कारण, यह अपनी धुरी पर किए जाने वाले परिभ्रमण के कारण, यह अपनी धुरी पर किए जाने वाले परिभ्रमण, परिभ्रमण माने क्या होता है? देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे परिभ्रमण और परिक्रमण का अंतर। परिभ्रमण क्या है? अपने धुरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाना घूमना परिभ्रमण कहलाता है, इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे इसका इफेक्ट क्या क्या होगा। तो हमने क्या लिखा? परिभ्रमण गति कारण पृथ्वी पर बाहर की तरफ, पृथ्वी पे बाहर की तरफ अपकेंद्री बल लगता है। जिस कारण पृथ्वी के विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जिस कारण पृथ्वी के विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, देखिए विषुवत रेखा कहाँ है यही देख लीजिए, पहले आप लोग देखते भी चलिएगा लिखते भी चलिएगा ताकि समझ में आ जाए। 0 डिग्री को विषुवत रेखीय रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन कहते हैं। विषुवत रेखीय क्या लिखे हम लोग, क्षेत्र पे अधिक प्रसार हो जाता है, इसलिए पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या, इसलिए पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक होती है। अगर अधिक होती है, ठीक है, कैसे होती है देख लीजिएगा, इसको समझते चलिए लिखते भी क्षेत्र बना के। देखिए ये हो गई इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या, और यहां तक आ जाता तो व्यास। अभी हम इस तरह गणित पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। ये यहां से यहां तक ध्रुव है, ऊपर ध्रुव और नीचे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहां से यहां तक जो लंबाई, इसको माने R2, इसको मान लिया R1। तो ये कह रहे हैं, हमने क्या पढ़ा कि अपकेंद्रीय बल के कारण, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिससे विषुवत रेखीय रेखा का प्रसार हो जाता है। प्रसार होने के कारण R1 बड़ा हो जाता है किससे? R2 से। तो R1 क्या माना हमने, R1 क्या माना है? विषुवत रेखीय त्रिज्या। और ये ध्रुवीय त्रिज्या, अगर विषुवत रेखीय त्रिज्या ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब पृथ्वी पूरी तरह से गोली, यह स्पष्ट हो गया। अगर दोनों गोला होता, जैसे अभी सर पढ़ाएंगे गोला है वृत्त, तो एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं, सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो जब यहां पे बराबर होता तब गोला होता, बराबर नहीं है, इसका मतलब पृथ्वी पूरी गोली नहीं, ऊपर से क्या है, चपटी है, क्योंकि R1 ज्यादा है, ये भाग ज्यादा, ये भाग ज्यादा, चाहे 56 किलोमीटर ही क्यों ना हो, लेकिन R1 ज्यादा है। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोलाब है, गोला नहीं है। इस बात को समझिए, BTC का पूछा क्वेश्चन है ये एक जगह, और कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, ठीक, इसलिए जानते रहिएगा। आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अच्छा चित्र भी बनाते चलिएगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एकदम।
और यहां पे लिख लीजिएगा विषुवत रेखा की त्रिज्या ध्रुवी त्रिज्या, साथ में लिखते भी चलिएगा विषुवत रेखा की त्रिज्या ध्रुवी त्रिज्या, वही चीजें लिखवाएंगे जो सामान्य अध्ययन में भूगोल के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। अच्छा लिखिएगा पैराग्राफ चेंज, इसी कारण भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, इसी कारण भूमध्यरेखीय क्षेत्र में भूमध्यरेखीय क्षेत्र में इसी कारण भूमध्यरेखीय क्षेत्र में या में गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है या गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान या गुरुत्वाकर्षण अधिक लगाया जाता है, अधिक लगता है। ठीक, एक प्रश्न पूछा जाता है, आप समझ लीजिएगा, लिखिएगा मत, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है घटता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है, ऐसे चार विकल्प आते हैं। तो सबसे सीधा सा उत्तर है कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों? अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल क्या होता है आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये साइंस में पढ़ेंगे, क्या होता है बताएं। जैसे चाकुहार का चाकू वाला एग्जांपल जानते हैं आप लोग ना, कैसे बाहर प्रसार करता है, इसलिए इसका मान ज्यादा होता है। समझ में आ गया आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ये एक प्रश्न तैयार है आपका, क्या कि जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाता है। ठीक, आगे लिखेगा, हेड लिखेगा पृथ्वी की धुरी, एक्सिस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की धुरी, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ पृथ्वी परिभ्रमण करती है। परिभ्रमण माने अपनी धुरी पर घूमना, कोष्ठक में लीजिएगा, इसे दैनिक गतिविधि कहते हैं पृथ्वी का। परिभ्रमण करते हुए प्रतीत होती है, परिभ्रमण करते हुए प्रतीत होती मैंने दिखाई देती है। वही पृथ्वी की धुरी होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, फिर समझा रहे हैं। पृथ्वी की धुरी लिखिए, पृथ्वी की धुरी लंबवत नहीं है। अभी लंबवत शब्द बताएंगे आपके वो गणित वाले सर, रमेश सर, लंबवत नहीं है, अपितु ये लंबवत से, अपितु ये लंबवत से 23/1/2, अपितु ये लंबवत से 23/1/2 डिग्री, कोष्टक में लिखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट, ऐसे 23/1/2 डिग्री, कोष्टक में लिखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। पृथ्वी की धुरी का यही झुकाव कौन सा झुकाव कहलाता है? अक्षीय झुकाव कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं। ये हो गई आपकी पृथ्वी, यह आपकी, इस पृथ्वी की खासियत क्या क्या है? यह पृथ्वी तो ऐसे है, लेकिन जो इसकी धुरी है, धुरी कहाँ है? वह काल्पनिक रेखा जिसके क्या होती है, यह घूमती है। धुरी किसे कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जिसके क्या परिभ्रमण करती है, प्रतीत होती है। अब कैसे प्रतीत होती है? किसी की इर्द गिर्द घूम रही है, यह हो गया धुरी। उत्तर वाले कहते हैं उत्तरी धुरी, और ये ठीक ध्रुव भी कहते हैं, धुरी भी कहते हैं एक्सिस, ठीक, और ध्रुव को कहते हैं पोल। तो ये भी, ये क्या है,
दोनों ध्रुव है पोल, और ये दोनों क्या है यहाँ पे नीचे दोनों एक्सिस है, अक्ष भी है, इसी के अच्छा देखिए इसी के चारों तरफ घूमती है। तो ये सीधा लंबवत ना होकर, ध्यान दीजिए इसको, ऐसा समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे पृथ्वी हमारी कैसे होनी चाहिए थी ये देखिए, अगर कोई लट्टू है जिसपे नाचता है वही क्या होती है, इसकी धुरी होती है, या पृथ्वी की यही धुरी है, ठीक, या धुरी एक्सिस होगी, मतलब ऐसा लगता है इसकी प्रतीत इसी तरह चलता है, लेकिन ये इस तरह से ना होगा, किस तरह से ये लंबवत ना होगा, कैसा यहां से ये 23.5 डिग्री झुका हुआ, कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ। इसी झुकाव को हम अच्छी झुकाव कहते हैं, कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी, मतलब यह रेखा पहले जो मध्य रेखा यहां थी वास्तव में कैसे है, अब ऐसे हो जाएगी। तो अगर हम देखा है अब इसको, तो पृथ्वी कैसी दिखेगी, ऐसे, ये होगी 0 डिग्री। वैसे पहले कहां थी, यहां थी, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी है, इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का अक्षी झुकाव। अब पृथ्वी के नीचे से यदि कोई लंबवत रेखा या कोई समांतर रेखा गुजारी जाए तो इनके और इनका जो होता है इसे कहते हैं कच्छीय तल, और कच्छीय तल का कोण कितना होगा, अगर ये लंबवत होता तो 90 डिग्री, लेकिन 90 में कितना झुका हुआ है, तो पृथ्वी का जो कच्छीय झुकाव है वो कितना है, 66 / 1/2 डिग्री, ठीक, या 66 डिग्री 30 मिनट। अब अच्छी झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, या 23 / 1/2 डिग्री। यहां से दो प्रश्न हमारे बने हैं, ठीक, पृथ्वी का अच्छी झुकाव, पृथ्वी का कच्छी झुकाव। गणित वाले जो उनको समझ में आ जाएगा पहले ही, ठीक, आगे लिखिएगा, हिंट लेगा, पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, इसमें लिखिएगा वह अस्थाई मार्ग, वह अस्थाई मार्ग, जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कोष्टक में लिखिए परिक्रमण, वह पृथ्वी का या वह पृथ्वी की कक्षा कहलाती है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कहलाती है। पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार, पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार अथवा अंडाकार कक्षा में, अथवा अंडाकार कक्षा में चलते हुए, अथवा अंडाकार कक्षा में चलते हुए सूर्य का चक्कर पूरा करती है, सूर्य का चक्कर पूरा करती है। दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण, दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण, दीर्घवृत्ता पथ के कारण पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी वर्ष भर समान नहीं रहती। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी
150 मिलियन किलोमीटर है। मतलब कितना किलोमीटर होगा? गणित वाले बता लेंगे तुरंत, कितने किलोमीटर होगा? एक मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 150 मिलियन में 15 लाख। हाँ, तब कितना होगा? चलिए इसे क्या लिखा हम लोगों ने? औसत दूरी, माने एवरेज। अगर औसत दूरी आगे लिखे तब समझा रहे हैं। पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु, अगला पॉइंट बना के लिखेगा, पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वी की कक्षा में वह दूरी, वह बिंदु जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, जहां पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, वह अपसौर अवस्था कहलाता है। वह अपसौर अवस्था कहलाता। पेरजी, वह अपसौर अवस्था कहलाता है। यह अवस्था प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी यह अवस्था प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है, जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होता है। ये हो गया। हम लोगों ने क्या देखा कि पृथ्वी क्या होती है, सूर्य का जो चक्कर लगाती है वह दीर्घवृत्ताकार अंडाकार पथ में लगाती है। जब अंडाकार पथ में लगाएगी इसका मतलब है सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह एक समान, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की वह दूरी जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वह 147 मिलियन किलोमीटर होती है, जबकि इसकी जो औसत दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 147.2 है, लेकिन हमने लगभग में लिखा है 147 मिलियन किलोमीटर है। फिर इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यह स्थिति या यह अवस्था प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। कितने? 3 जनवरी को, जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक या सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है, उस समय, नीचे लिखिएगा एक लाइन लिख के, उस समय सूर्य के सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ती हैं। मकर रेखा के आसपास पड़ती है, मकर रेखा के आसपास, क्योंकि उसमें वापस आ रहे हैं ना, मकर रेखा के आसपास पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है।
ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक। और आगे, इस समय पृथ्वी, यह प्रश्न पूछा है, आईएस में पूछ चुका है, पीसीएस में कई बार दोहराया इस प्रश्न को, इस समय पृथ्वी पर या पृथ्वी को सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है। इस समय पृथ्वी सूर्य के द्वारा या पृथ्वी सूर्य द्वारा सबसे ज्यादा सूर्यातप इंसुलेशन सबसे ज्यादा प्राप्त करती है, सूर्यातप सबसे ज्यादा प्राप्त करती है। समझ, सूर्यातप क्या है? देखिए, अब सूर्य की जो उष्मा, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर सीधा पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? हम सूर्यातप कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा कब प्राप्त करता है? जब सूर्य के नजदीक होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सूर्यातप एक हमारा अध्याय है, इंसुलेशन एक अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, वहां हम लोग इसे और बेहद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सूर्यातप क्या है, तब तक ये जानते रहिएगा। नजदीक है तो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश से पड़ेगा, जैसे अलाव के नजदीक रहेंगे गर्मी ज्यादा होगी, दूर आएंगे गर्मी, तो यह मानिए इसमें सूर्यातप ज्यादा। लेकिन हम आपको पता नहीं चलता उसका कारण क्या है। सूर्य समय मकर रेखा पर होता है, हम कहाँ है? कर्क रेखा के आसपास। भारत कहाँ है? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, माने उत्तरी गोलार्ध में है, और उस समय सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। इसलिए सूर्यातप हमारे तो प्राप्त होता है, लेकिन ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन हमारे उस समय कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। और वही दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक। आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु, पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, वह स्थिति या वह अवस्था अपसौर, अपसौर, अपसौर एपोजी, पेरिजी एपोजी कहलाता है या कहलाती है। ठीक, इस समय सूर्य पृथ्वी से या पृथ्वी सूर्य से, पृथ्वी सूर्य से 152 लगभग 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। हो गया, कितना पे? यह प्रत्येक वर्ष या यह अवस्था प्रत्येक वर्ष के 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई को होती है। ठीक, अब समझ लेते हैं दोनों एक साथ। हम लोगों ने पहले क्या लिखा, पृथ्वी की कक्षा, तो पृथ्वी कक्षा किसे कहते हैं? उसका एक निश्चित परिक्रमण पथ है जिसके चारों तरफ वो सूर्य का चक्कर लगाता, उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। यह परिक्रमा या चक्कर परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करता है। पृथ्वी और सूर्य की जो पृथ्वी है, सूर्य का जो चक्कर है वो अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाता है। ठीक, कैसे लगाता है? या दीर्घवृत्ताकार, ये स्पष्ट होता है ऐसे, क्योंकि जो पृथ्वी की औसत दूरी है सूर्य से वह है कितनी? लगभग लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। जबकि जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, न्यूनतम दूरी को, उस स्थिति को अपसौर एपेरजी कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं। यह अवस्था प्रत्येक वर्ष
3 जनवरी को होती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 147 मिलियन किलोमीटर होती है लगभग। और इस समय 3 जनवरी को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, हमारे यहाँ शरद ऋतु शीत ऋतु होती है, इसलिए हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इस समय क्या है, सूर्य पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन इस समय सूर्यास्त सर्वाधिक प्राप्त करता है। ठीक इसके विपरीत पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। ठीक उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर होती है। यह अवस्था यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। यह स्थिति क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। कितने तारीख को, 4 जुलाई को होती है। क्या तारीख को, उस समय सूर्यास्त कम प्राप्त होता है, इसकी अपेक्षा उपसौर की अपेक्षा अपसौर में सूर्यास्त कम प्राप्त होता है, लेकिन उस समय सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा के पास होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी ऐसे ही रहती है, इसलिए हमें यह आभास नहीं हो पाता, जबकि इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक समझ में आ गया आप लोग को, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये देखिए न्यूनतम दूरी है, इससे यह स्पष्ट होता है पृथ्वी का पथ कैसा है। अगर एक समान होता सब जगह 150 मिलियन किलोमीटर होता, इससे स्पष्ट हो जाता है पृथ्वी का किसे वृत्ताकार की वृत्ताकार नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले घंटा लिएगा, नोट बना के लिखेगा, एक खगोली इकाई बराबर, या खगोली इकाई हिडी लिखे, खगोली की इकाई, खगोली इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोल की इकाई एस्ट्रोनॉमी यूनिट, इस इकाई का प्रयोग सौर मंडल में खगोल पिंडों के मध्य दूरी मापने अथवा दर्शाने के लिए किया जाता है। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा नई लाइन से, एक खगोल की इकाई बराबर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी, नीचे फॉर्मूला मिल गया, एक एस्ट्रोनॉट यूनिट बराबर एक खगोल की इकाई बराबर 150 मिलियन किलोमीटर लगभग। ठीक समझ में आया कि एक एस्ट्रोनॉट खगोल की इकाई क्या है, यूनिट मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो औसत दूरी है उसी को मान लिया कि इसको किस लिए दर्शाया जाता है, खगोल पिंडों को मापने के या दर्शाने के लिए। ठीक अब आगे लिख लीजिएगा या सुन लीजिए क्योंकि आपको मैंने समझा दिया, पृथ्वी और सूर्य के मध्य बदलती दूरी के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के बच्चा अधिक अनुकूल मौसम होता है। जो स्थिति बदलती रहती है इसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है वहां का मौसम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल होता है। आगे है, अच्छा 3 जनवरी के दिन क्या होता है, जिस समय 3 जनवरी कौन सी स्थिति होती है, उपसौर। ठीक जनवरी को मान लीजिए उपसौर होता है, उस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, शीत, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उस समय स्थिति क्या होती है, सूर्य पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे नजदीक होती है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर लगभग होती है। इसी समय इसके ठीक विपरीत पृथ्वी में जब अपसौर होता है तो इसके ठीक विपरीत होती है। अब इसमें क्या होता है, सौर विकिरण की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक आगे लिखते हैं, आगे देखिए, अच्छा एक चीज सुन लीजिए पहले, जब
उपसौर की स्थिति होती है, उस समय सौर विकिरण, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है, सौर विकिरण ज्यादा प्राप्त होता है, उस कारण क्या होता है, हमारे यहाँ जो शीत ऋतु पड़ती है उसकी तीव्रता कम कर देता है, ठंडक को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, ज्यादा सूर्य तप नहीं और ठंडक पड़ती। लेकिन इसका ठीक विपरीत यह दक्षिण गोलार्ध में क्या करेगा, गर्मी को बढ़ा देगा और तीव्र कर देगा, जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि सूर्य तप अधिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, हमारे ठंडक को कम कर देगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। देखिए यह पृथ्वी है, अब इसको चित्र बना के समझाएंगे सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप पढ़ेंगे ज्यादा कैसे प्राप्त होता है, या सूर्य तप यहाँ ज्यादा प्राप्त हो रहा है इस क्षेत्र में, देखिए इस तरह से निकला हुआ है, सेम सूर्य चमक रहा है, ये दक्षिण भाग उभरा हुआ है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो नजदीक हो गया तो गर्मी बढ़ गई, यहाँ ठंडी पड़ रही, ठंडी बड़ी कम होगी तो ठीक उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और ठंडक को क्या करता है, कम कर देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु को बढ़ा देता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, 4 जुलाई की स्थिति क्या होती है, अधिक दूरी होती है, उस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है, और कौन सा क्या होता है, सौर विकिरण को, जब सौर विकिरण कम कर देगा हमारे यहां गर्मी क्या पड़ेगी, अब कम, और दक्षिण गोलार्ध में ठंडक बढ़ जाएगी। ठीक, इसका उल्टा, वहां ठंडक क्या हो जाएगी, भाई गर्मी कम, सौर विकिरण कम हो गया तो ठंडक क्या होगी, बढ़, और हमारे यहाँ गर्मी कम हो जाएगी, अन्यथा और गर्मी पड़ती, कब, 4 जुलाई को, उस समय हम देखेंगे हमारे यहाँ वर्षा होता है, इसलिए उस समय गर्मी कम होती है, उमस ज्यादा होती है। अभी आगे देखिए उमस क्या होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे उमस क्या है। ठीक, यह परिवर्तन जो होता है, यह 7% कम या 7% ज्यादा लिख लीजिएगा, जो यह परिवर्तन होता है, यह 7% कम या 7% ज्यादा होता है, जो ठंडा गर्मी बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है, यह 7% माने प्लस या माइनस, यह 7% प्लस या माइनस होता है, माने 7% बढ़ जाएगा या 7% कम हो जाएगा, प्लस माइनस 7%। ठीक, ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, समझ में आ गया ना। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। ठीक, इस टॉपिक के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप लोग भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, और ये वीडियो क्रम से पूरा ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल के बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसी क्रम में लगातार हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे।